The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज टीचर्स डे है और टीचर्स का हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए और लिटरली पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा रोल बनता है, राइट? बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनकी उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या आएंगी, उनके अंदर सोच कैसी बनेगी, राइट? उनका परवरिश, उनके संस्कार कैसे बनेंगे, इसमें माँ बाप से मैं कहूँगा ज़्यादा टीचर का रोल है। ऑब्वियसली माँ बाप का भी रोल है। सो टीचर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर वर्ड का मतलब भी अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो भी टीचर होता है, टू टीच। डॉक्टर का मतलब होता है टू टीच, मगर बहुत सारे डॉक्टर्स टीच नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन करना चाहिए टू टीच अबाउट। इसीलिए हमने ये बनाया है चैनल, ताकि हम आपको सिखाएं, टीच करें जितना हमसे हो सके स्टैंडर्ड और रेफरेंस्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन। सो टीचर्स को हमारा आज बहुत बहुत शत शत नमन प्रणाम, और सभी टीचर्स को थैंक यू सो मच टू बी देयर एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। सो टीचर्स के बारे में आज हमें आपको कुछ बातें बतानी है। अगर आप रिसर्च निकाल के देखेंगे तो टीचर्स की लाइफ में भी कई सारी मुश्किलें होती हैं, और हेल्थ वाइज उनको कई सारे वर्क रिलेटेड डिजीज़ेस, बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। और इसके कई बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो इसके कई रिसर्च भी हो चुके हैं, कई सारे कारण हैं, आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे। सो टीचर्स की लाइफ में अगर हम रिसर्च करेंगे तो जो मुख्य कारण है प्रॉब्लम के, एक मेन कारण तो होता है फिज़िकल, क्योंकि उनका नॉइज़ ज़्यादा होती है बच्चों की या यहाँ वहाँ की, और ख़ासकर जो छोटी क्लासेस को पढ़ाने वाली टीचर्स होती हैं, और क्लाइमेट इन्वायरमेंट कई बार कंड्यूसिव नहीं होता स्कूल्स का, कई बार केमिकल्स से उनका पाला पड़ता है, राइट? केमिकल टीचिंग में, स्पेशल बिल्डिंग मटेरियल्स में, और अल्टीमेटली आजकल के डेट में कंप्यूटर्स एंड अर्गोनॉमिक्स वर्क स्टेशंस पे ज़्यादातर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लगातार दो दो चार चार दस दस क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स लेने पड़ते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, न्यू सिलेबस आते हैं, नए चेंजेस होते हैं, तो कई सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर इन अ टीचर्स लाइफ। सो टीचर्स को भी बीमारियां होती हैं और बहुत कॉमन है। आज हम कॉमन बीमारियों की बात कर रहे हैं जो टीचर्स के लाइफ में फेस की जाती हैं। कई जगहों पे दुनिया भर में रिसर्चेस हुए हैं और लाखों टीचर्स के बीमारियों को असेस किया, तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो टीचर में पाया गया वो है बैक पेन। जी हाँ, मस्कुलोस्केलेटल पेन और टायर्डनेस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। लैक बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल खड़े रहने का काम है, राइट? और कई बार वो अपने अगर अपने देखभाल ना करें न्यूट्रिशन का या पोस्चर का, तो बैक पेन या कहीं पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, टाइटनेस हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़। फिर बोलने का काम है, राइट? सो वॉइस डिसऑर्डर, स्पीच प्रॉब्लम्स, गला ख़राब बहुत कॉमन है, वॉइस पेन, राइट? और सबसे बड़ा होता है हेडेक्स, बच्चे तंग तो करते ही हैं, राइट? हेडेक्स इज़ वेरी वेरी कॉमन, नेक पेन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, राइट? आजकल मतलब ये भी पोस्चर को आप डेडिकेट कर सकते हैं। एंड देन देर आर डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स इन वेजिटेरियंस, कई बार डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, एंड देन कॉम्पिटिशन, राइट? प्रेशर कि भी हमारे बच्चे आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सो देर इज़ एनजाइटी, प्रेशर, शोल्डर पेन, बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं तो वेरिकोस वेन, पैरों में वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम आ सकता है, और कई बार इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होती है कि स्लीप प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन टीचर्स, स्लीप प्रॉब्लम्स। और बच्चों के साथ में आप काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो बहुत एक को भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोल्ड फ्लू हो, आपको भी हो जाएगा। सो वायरल कोल्ड फ्लू इज़ वेरी कॉमन इन देम, राइट? टीचर्स में वेरी वेरी कॉमन। आई, आँखों में स्ट्रेन, ये देखना, वो देखना, ये करना, वो करना, नो, आई स्ट्रेन इज़ वेरी कॉमन। प्लस आज के डेट में
जो देखा जा रहा है, ऑल्दो उनकी टीचर्स की फिजिकल एक्टिविटीज मोर देन एन एवरेज पर्सन, बिकॉज खड़े होना होता है, यहाँ से वहाँ चलना होता है, पूरे स्कूल में यहाँ वहाँ घूमना भी पड़ जाता है कई बार, बट अब तो ऑनलाइन हो गया तो कम हो गई है ना, लेकिन इन दैट ओल थिंग उनका ये देखा गया, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है टीचर्स में, हाई बीपी, राइट। सो टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है अपना हेल्थ चेकअप कराना, ब्लड प्रेशर एंड वेरी कॉमन आज की डेट में, वैसे तो सभी को हो रहा है, डिप्रेशन, सैडनेस, और ये प्रॉब्लम सभी को देखने को मिल रही है, वेरी कॉमन इशू। सो ये सारी बहुत कॉमन बीमारियाँ हैं जो आप देखेंगे टीचर्स में, और भी बहुत सी छोटी मोटी बीमारियाँ आती हैं देखने को, लेकिन ये सबसे कॉमन है। एंड वन ऑफ द कॉमन इज पेन्स, एग्जॉशन, पेन, एग्जॉशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन। सो क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है टीचर्स को, एक ऑब्वियसली गवर्नमेंट या स्कूल, इनकी अथॉरिटीज़ को जितना वर्क एनवायरनमेंट आप हेल्दी बना सकें, कंड्यूसिव बना सकें, वो और बेटर है, राइट। कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, नॉट ऑलवेज एवरी टीचर शुड बी यू नो स्टैंडिंग, उनके पास भी हाई चेयर हो या सम और दी अदर वे। फिर टीचर्स का खुद अपना लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है, राइट, दैट इज़ वेयर एजुकेशन कम्स, हेल्थ एजुकेशन, ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन का अलग से टीचिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन और फिटनेस एजुकेशन टीचर्स के लिए भी होना चाहिए, देयर शुड बी अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर देम ऑल्सो, राइट। क्रोनिक डिजीजेज उनको भी हो सकती है, राइट, उम्र के साथ उनको भी बीमारियाँ आएंगी, राइट, मोटापा आएगा, बीपी आएगा, शुगर होगा, ना, ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टीचिंग रो उनका अच्छा वेट, उनकी उनकी अच्छी लाइफस्टाइल से ही वो सही माइंड से आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, और आगे और अच्छा फ्यूचर बनेगा हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का। सो इसीलिए टीचर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टू अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो यही मैसेज है आज का, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके हर टीचर के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें, और इसी प्रकार हेल्थ के नॉलेज को बढ़ाएं और अपनी हेल्थ लिटरेसी बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।